प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वदेशी अर्जुन टैंक M1A सेना को सौंपा। पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अर्जुन टैंक के इस उन्नत संस्करण का निशाना अचूक बताया जा रहा है, जिससे भारतीय सेना की जमीन पर मारक क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस समारोह के दौरान पीएम ने इस अत्याधुनिक टैंक की सलामती भी स्वीकार की। इस टैंक को CVRDE DRDO ने 15 शैक्षणिक संस्थानों, 8 प्रयोगशालाओं और कई MSME के साथ मिलकर बनाया है। रक्षा मंत्रालय ने सभी 118 अर्जुन टैंकों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिनकी कीमत 8400 करोड़ रुपए है। पीएम ने चेन्नई और अटीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। 293.40 करोड़ रुपए की लागत से बनी 22.1 किलोमीटर लंबी ये लाइन चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों को जोड़ेगी। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि चेन्नई ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है, ये ज्ञान और रचनात्मकता का शहर है। टुडे आई एम प्राउड टू डेडिकेट टू द कंट्री वन मोर वॉरियर to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. दिल्ली के बॉर्डर्स किसानों से अब खाली हो रहे हैं। खासकर सिंघू बॉर्डर से किसानों का वापस जाना लगातार जारी है। पहले की तुलना में अब बहुत कम प्रदर्शनकारी ही सिंघू बॉर्डर पर बचे हैं। सिंघू बॉर्डर की नई तस्वीर सामने आई है। टेंट में सिर्फ चंद किसान बैठे नजर आए। सिंघू बॉर्डर के किसानों के तंबू खाली हैं। सिर्फ यही नहीं, जिस सड़क पर पहले ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, प्रदर्शनकारियों के टेंट लगे होते थे, वो सड़क अब पूरी तरह से खाली है। हमारे रिपोर्टर जतिन शर्मा आप तक सिंघू बॉर्डर की सच्ची तस्वीर पहुँचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि सिंघू बॉर्डर पर अब कितने कम किसान और ट्रैक्टर बचे हैं। मेरे सामने देखेंगे कि ये रोड है जो कि एक तरीके से नेशनल हाईवे है, और यहीं पर 27 नवंबर से प्रदर्शनकारी आकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन पहले जो तस्वीरें आती थी वो सड़क के दोनों तरफ की आती थी। आप ये देखेंगे कि सीमेंटेड के बैरिकेड्स भी प्रदर्शनकारियों ने लगाए थे ताकि वो इस जगह पर अपने शिविर बनाते थे, लेकिन अब शिविर यहाँ से जा चुके हैं। आप देखेंगे ईंट का जो जगह बनाई गई है, जहाँ पे पहले खाना बना करता था, अब वो खाली पड़ा है क्योंकि भारी संख्या में जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी है, वो यहाँ से अब मूव कर चुके हैं। और सड़क के दूसरी तरफ की भी आपको अगर तस्वीर दिखाएंगे तो इस जगह पर भी आप देखेंगे कि ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े रहते थे। उसके सबूत यहाँ पर है कि जो पूरा रोड है आप देखेंगे गीला है, लेकिन उस जगह पर सूखा हुआ है कि ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर खड़े रहते थे, शिविर यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अब वो सभी लोग यहाँ से वापस जा चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर मुख्य मंच की तस्वीर, जो कभी किसानों की भीड़ से गुलजार रहता था, लेकिन आज की तस्वीर देखिए, सामने का पूरा हिस्सा खाली है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले लंगर चखने के लिए भी लोगों की लाइन लगती थी, लेकिन आज यहाँ 10 से भी कम लोग दिखे जो लंगर खा रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर बनाई गई टेंट सिटी के कई टेंट उखड़ चुके हैं, जो हैं उनमें लोग नहीं हैं। ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये NH9 के ऊपर चल रहा है, जो कि एक लंबे दायरे में फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है टेंट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन टेंट्स में देखें तो जो अलग अलग जिलों, अलग अलग कस्बों से आए हुए लोग थे, अब वो लौट चुके हैं। यहाँ पर नाम मात्र की संख्या जो रह चुकी है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये टेंट के अंदर की है, और लोग यहाँ पर अब नजर नहीं आ रहे हैं, महज कुछ संख्या लोगों की रह गई है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी तस्वीरें जो अपनी यहाँ की कहानी को बयां करती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपको यहाँ पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखें जो टेंट्स बनाए गए हैं, जो लकड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, लोगों ने अपने यहाँ से तिरपाल फिलहाल हटा लिए हैं, और यहाँ पर जो किसान आए हुए थे वो देश के, या खासतौर पर बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों और कस्बों से आए हुए थे। यहाँ पर कुछ टेंट्स हैं, भले ही टेंट्स अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन उनमें अभी लोगों की संख्या नज़र नहीं आ रही है, टेंट्स खाली पड़े हुए हैं। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये टेंट सिटी के तौर पर इसे बनाया गया था।
और टेंट सिटी भी अब पूरी तरह से खाली है। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन को अभी भी लाखों की संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है, फिलहाल तस्वीरें तो ये कहानी को बयान नहीं कर रही हैं। उत्तराखंड में मची तबाही को आज एक हफ्ता पूरा हो गया। पिछले रविवार से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन से बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। रेस्क्यू टीम तपोवन की सुरंग में उस जगह तक पहुंच गई है जहां 35 मजदूर फंसे हुए हैं।